सो हे नमस्कार दोस्तों, कैसी है पब्लिक। आज हम लोग ये वीडियो लेके आए IOC शेयर के ऊपर, ओके, जिसको हम लोग इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन भी बोलते हैं। सो हम लोग बात करने वाले हैं कि इस IOC शेयर में जो हम लोगों ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में वीडियो बनाई थी, ये सिमेट्रिक ट्रायंगल ड्रॉ करा था, आप लोग के सामने ड्रॉ करके गया था, बोला भी था ये ब्रेकआउट देने वाला है और क्लियर कट टू कट अप ट्रेंड का ब्रेकआउट देखने को मिलने वाला है हम लोग को, बिकॉज ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ट्रेंड लाइन देख सकते हैं अपसाइड की सिनेरियो बनाती हुई जा रही थी। ठीक, तो जिसने भी उस मेरी वो वीडियो देख के ट्रेड करा होगा, बल्कि जिसने भी अपने लेवल्स के साथ में ट्रेड करा होगा मेरी वीडियो के लेवल्स, वो अच्छे खासे भी प्रॉफिट में बैठा होगा। देख सकते हैं कितना क्लियर कट टू कट ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करा और एक्जैक्टली अपने टारगेट्स के पास, फर्स्ट टारगेट पास पहुंच चुका है। 81.50 का इसका फर्स्ट टारगेट था, वहीं पे ये पहुंच चुका है। अब बात करने वाले हैं जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में हम लोग को क्या इसमें तेजी देखने को मिलेगी या ये वापस से गिरावट दिखाने को, मतलब रिट्रेसमेंट दिखा सकता है। ओके, पूरी डिटेल में एनालिसिस करके बताने वाले हम लोग इस वीडियो में, वीडियो में एंड तक बने रहिए, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा एंड वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर अच्छा लगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, आते हैं हम लोग अपने छोटे टाइम फ्रेम पे, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है। क्लियर कट टू कट अप ट्रेंड का मोमेंटम देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं अपसाइड मोमेंटम, ओवर स्ट्रेच्ड एक तरह की मार्केट जिसको कहते हैं स्ट्रेच्ड मार्केट हो चुकी है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट यहां पे अपना क्या करे, रिट्रेसमेंट फाइंड करने आए। ओके, रिट्रेसमेंट कहां तक कर सकता है, 50% तक रिट्रेसमेंट दे सकता है, मतलब 80.10 रुपीज तक रिट्रेसमेंट देने की आ सकता है मार्केट डाउन साइड। बट अगर 80.10 के नीचे आता है तो हम लोग कोई ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट करने वाले, सिर्फ वेट एंड वॉच करने वाले मार्केट में। ओके, देखिए 80 यहाँ पे मार्केट रिट्रेसमेंट करके डाउनसाइड आए, यहाँ तक 80 पॉइंट तक हम लोग रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है और यहाँ से हाईवे रिजेक्शन कैंडल के बाद वापस बाइंग इनिशिएट हो सकती है तगड़े लेवल से, बिकॉज वन डे के टाइम फ्रेम में हम लोग का सिमेट्रिक ट्रायंगल ब्रेकआउट दे चुका है। सो वो हम लोग को क्लियर कट टू कट बुलिश इंपैक्ट दिखा रहा है। ओके, सो बुलिश इंपैक्ट को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, एक रिट्रेसमेंट की जरूरत चाहिए पड़ेगी मार्केट में, ताकि एक तगड़ा प्राइस एक्शन बिल्डअप हो पाए। ओके, बिना प्राइस एक्शन बिल्डअप करे अगर आप लोग ट्रेड लेंगे तो आप लोग को सिर्फ और सिर्फ लॉस ही होगा और आप लोग को स्टॉप लॉस हिट होंगे। सो स्टॉप लॉस मिनिमम से मिनिमम स्टॉप लॉस हिट होने चाहिए और लेवल्स को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए ये तो बात हो गई 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अगर 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें जो लास्ट ट्रेंड लाइन हम लोग के यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया बन रहा था उसको भी इसने ब्रेकआउट दे दिया, ये रेजिस्टेंस एरिया बन रहा था। देखिए कैसे यहाँ पे हम लोग को देख सकते हैं, यहाँ पे लास्ट टाइम फॉल आया था यहीं से, ठीक, और उसी को मार्केट ने क्या करा आपकी बारी ब्रेकआउट दे दिया और मार्केट ने देखिए क्या करा रिट्रेसमेंट के बाद ब्रेकआउट दिया। देखिए यहाँ गया रिट्रेसमेंट करा फिर ब्रेकआउट दे चुका है, अब मार्केट वापस रिट्रेसमेंट अगर दिखाता तो यहाँ पे फर्स्ट रिट्रेसमेंट लेवल यहाँ होने वाला, अगर इसको डाउन साइड ब्रेकडाउन दे देता है तो लास्ट स्विंग का रिट्रेसमेंट ले सकता है, उसके बाद बूम आउट हो सकता है मार्केट। ओके, सो इन लेवल्स को आप लोग को ध्यान में रखना है आगे आने वाली ट्रेडिंग सेशन में, ताकि आप लोग को अच्छी खासी स्टॉप लॉस लेवल मिल पाए और प्रॉफिट बुकिंग का भी लेवल दिख पाए। ओके, अब बात करते हैं टारगेट्स क्या रख सकते हैं हम लोग, टारगेट्स के लिए वापस से आते हैं हम लोग वन डे के टाइम फ्रेम में। देखिए हम लोग को फर्स्ट टारगेट तो हम लोग का हिट हो चुका है, बट जो नेक्स्ट टारगेट देखने को मिल रहा है वो बड़ा टारगेट है 83.20 रुपीज के पास, जो कि हम लोग को आने वाले इस वीकेंड में देखने को मिल सकता है। ओके, सो इन लेवल्स को थोड़ा माइंड में रखिएगा ताकि आप लोग को अच्छे खासे लेवल्स और टारगेट समझ में आ पाए, और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए थी, कोई भी बाय सेल या होल्ड की सजेशन नहीं है। सो आप लोग अपने लेवल्स के साथ इन लेवल्स को मिक्सअप करके देखिएगा, जो बेस्ट ऑफ बेस्ट लेवल्स निकले उनके ऊपर वर्क करिएगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग टुडेस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल एंड बी प्रॉफिटेबल जनता।